ये देखिए, ये आपका केओटी आ चुका है एक, ये दूसरा केओटी आया, बिल आया, समझ में। ये बिल फर्स्ट केओटी आया, सेकंड केओटी आया, थर्ड बिल आया, ये देखिए दोस्तों। स्वीट शॉप, बेकरी वगैरह आइटम्स में आपको मल्टीपल केओटी होती है, मल्टीपल केओटी काउंटर होती है, किस तरह मैनेज कर सकता है? रेनडेक टच कंट्रोल बिलिंग सॉफ्टवेयर में आपको मल्टीपल केओटी मैंने करके दिखा दे रहा हूं दोस्तों। ये देखिए आपको मल्टीपल केओटी, मल्टीपल प्रिंटर रखा हुआ है, तो ये तीनों प्रिंटर रखा हुआ है, इसका मतलब ये दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपको जिलेबी का काउंटर में ये प्रिंटर में काम करेगा, और फॉर एग्जाम्पल आपके लड्डू का काउंटर है, या लड्डू बहुत बल्क में जो भी आप सेल करते हैं इसमें केओटी आती है, और दूसरा कोई है स्वीट आइटम में आपको इसमें आती है, और आपको सब कुछ हटा कर मात्र एक ही प्रिंटर में भी कर सकता है, और बिल भी कौन सा प्रिंटर में आपको आना है आप चूज कर सकता है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आपको सबसे पहले ये जो सॉफ्टवेयर आप देखिए दोस्तों, ये आपका मेन मेन्यू है, आप कोई भी वैरायटी ऑफ आइटम्स कोई भी मेन्यू में डाल सकता है, इसके इमेज के साथ डाल सकता है दोस्तों, ये सारे फैसिलिटी है जो सॉफ्टवेयर के अंदर। ये इसका बिल बनाना, केओटी बनाना एकदम आसान काम है दोस्तों, आपको फटाफट से कर सकता है। सबसे पहले मैंने आपको बिल बना के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सबसे पहले क्या करके दिखा रहा हूँ आपको, यानी ये प्रिंटर सेट करके दिखा रहा हूँ कौन कौन से प्रिंटर में कौन कौन से केओटी की जरूरत है। तो आप सबसे पहले इसको इधर से लॉग आउट कर सकता है, ये देखिए लॉग आउट करिए, आपको बैक ऑफिस में लेके चलता हूँ मैंने आपको केओटी को प्रिंटर को सेट करने के लिए बैक ऑफिस। आपको यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए बिल कौन से प्रिंटर में आना है आपको इधर से सेट कर सकता है। टर्मिनल सेटिंग्स में चले जाइए आपने, ये देखो टर्मिनल सेटिंग्स ये वाला है, और इसमें आपको ये वाला जो भी प्रिंटर इसके अंदर डाल के रखा हुआ है उसको सीधा डिलीट कर दीजिए, और आपका जो ऑटोमेटिकली उसका आपका नई नजर आती है। मैंने इसको फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन ये वाला प्रिंटर में मैंने, या ये वाला प्रिंटर में मैं करवा देता हूँ, रुको ये बिल वाला जो है हमने ये वाला प्रिंटर में करवा देता हूँ। ये जितना भी आपका इंस्टॉल्ड प्रिंटर है ना सब कुछ इधर दिखाई देती है आपको, कैश फ्लो अगर एनेबल करना है आपको कर सकता है, प्रोडक्ट इमेजेस आपको एनेबल करना सब कुछ आपको कर सकता है। ये आपको सेव कर दीजिए दोस्तों, देखिए सेव, इसको क्लोज करिए। ये आपको मेन बिल प्रिंटर को हमने कनेक्ट कर दी ये वाला प्रिंटर में, ठीक है जी। और दूसरा क्या है आपको केओटी सेट करना है, केओटी देखो किचन सिलेक्शन, ये देखिए आपको मैंने यहाँ मात्र एक ही केओटी मतलब बनाया हुआ है अभी फिलहाल के लिए, मैंने आपको केओटी करके दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें आपको रीनेम कर सकता है, देखो इसको सेलेक्ट करिए, और ये आपको देखो ये ऑप्शन में आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें एक केओटी वन डाल दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है जी। और दूसरा और एक न्यू कर देते हैं हमने KOT 2, ठीक है जी KOT 2, और कोई भी दूसरा आइटम हो सकता है। ये क्या है आपको ईसी पोस्ट का प्रिंटर है, ईसी पोस्ट का प्रिंटर है ATC, तो ये वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों, ये मेरे ख्याल से ये वाला प्रिंटर का, ठीक है जी नाम इसको भी हमने सेव कर दिया। ये देखिए तो दो KOT इधर आ चुका है। तो मैंने जो फूड आइटम्स है उसको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ आपको, जो भी आपको मेन्यू आइटम्स है आप यहाँ चला जाइए दोस्तों। यहाँ चला जाने के बाद आपको इधर जितना भी प्रोडक्ट ऐड करके रखा हुआ है आपको सब कुछ इधर दिखाई देती है। मैंने दो प्रोडक्ट सीधा सीधा आपके सामने ऐड कर देता हूँ, देखो मैंने आपके प्रोडक्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल इधर आपने प्रोडक्ट का नाम डालिए, फॉर एग्जाम्पल लड्डू आपको देखिए उधर सर्च इमेज में सेलेक्ट करने से ऑटोमेटिकली गूगल से आपको इमेज लेके आएंगी। ये ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर है, अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो ऑनलाइन से यानी लेके आती है आपको। ये देखिए आप देखो कई सारे इमेजेस आती है आपको यहाँ नीचे, देखिए इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा, हाँ हाँ ये लगा अच्छा, ये लगा दीजिए और ये बटन में थोड़ा सा क्लिक टिक कर देना दोस्तों। और आपका प्राइस वगैरह देखो, इसको बेकरी कैटेगरी में डालना है जो भी आपको डालना सकता है, और टैक्स कम्युनिटी के 5% GST है जो भी है सब कुछ डाल सकते हैं आपको। केजीस में है, नंबर्स में है, परचेस कोशिश से डालो, समझ लीजिए 8 रुपये में परचेस किया, सेल यूनिट भी नंबर्स में है, रिटेल कॉस्ट भी आपको समझ लीजिए 10 रुपये में सेल कर रहा हूँ। आपको किचन कौन सा किचन में आना चाहिए इधर सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, देखिए KOT 1 में आना है, KOT देखो ये KOT 1 में डाल देता हूँ मैंने, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा KOT 1, ठीक है जी। मैं इसका क्वांटिटी समझ लीजिए आपको 1000 पीस आपको स्टॉक में आया हुआ है, 1000 पीस आप इसको सीधा डायरेक्ट सेव कर दिए दोस्तों, एंटर रीऑर्डर पॉइंट, इधर देखो रीऑर्डर पॉइंट या मिनिमम स्टॉक मेंटेन करने के लिए सेव कर दिया दोस्तों, सक्सेसफुली सेव हो गया। और आपको दूसरा आइटम मैंने सेव कर दे रहा हूँ, ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है, और दूसरा आइटम न्यू क्लिक करता हूँ, यानी पेड़ा बोल के जो नया आइटम्स है ये दूसरा किचन में मैंने ऑर्डर कर डाल दे रहा हूँ, ठीक है जी। आपको इतनी सारे आइटम्स से आपको मल्टीपल KOT डाल सकते, कितना भी KOT आपने डाल सकते। देखो पेड़ा का इमेज आया हुआ दोस्तों, पेड़ा का भी मैंने इमेज, वो भी मैंने बेकरी आइटम्स में डाला था, पहले वाला भी बेकरी में डाला था ना,
यस बेकरी में डाला था। यस ये देखो आपको जीएसटी कम्युनिटी मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये भी मैंने पीसेस में डाल दिया। परचेस प्रोसेस का यानी 14 रुपया है और सेल में भी आपको या 20 रुपया में सेल कर रहा हूँ। ओके और ये KOT 2 डाल दिया, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये KOT 2 डाल दिया, KOT 2 के लिए दूसरा प्रिंटर है, ठीक है जी। और बस और यहाँ आपको क्वांटिटी डालना 500 पीसेस आया हुआ है और रीऑर्डर पॉइंट भी आपने डाल देना 1-2 पीस जो भी। चलो इसको सेव कर दे रहा हूँ, मैंने इधर देखो सेव कर दे रहा हूँ, सक्सेसफुली सेव्ड, ठीक है जी। तो इसको क्रॉस करते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करते हैं 1, 2, 3, 4 ये हमने POS पैनल में चलते हैं और बेकरी में क्लिक करते हैं। बेकरी में ही डाला था ना हमने, लड्डू इधर डाला हुआ है, ये इधर लड्डू जो डाला हुआ है वो आया हुआ है और हमने जो पेड़ा डाला हुआ कहाँ गया, अच्छा पेड़ा भी इधर है और लड्डू भी इधर है, ठीक है जी। मैंने दोनों आपको जितना क्वांटिटी डालना है उसको क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं आपको, जो भी क्वांटिटी अगर चेंज करना होती है। ये देखिए मैंने दोनों एक एक पीस मैंने ऑर्डर डाल रहा हूँ, आपको प्रिंट कौन सा आएगा आपने देख लेना दोस्तों। इधर देखो सीधा पे बटन में क्लिक कर दीजिए आपने और कैश और ATM प्रिंटर में आपको प्रिंट कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये आपका KOT आ चुका है, ये दूसरा KOT आया, बिल आया, समझ में आ गया ना जी आपको, ये फर्स्ट KOT आया, सेकंड KOT आया, बिल आया, इस तरीके से आया हुआ है। देखो आपको देखो फर्स्ट KOT में क्या आया हुआ, देखो पेड़ा, ये पेड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये फर्स्ट KOT, ये सेकंड KOT में ये आ चुका है देखिए, ठीक है जी। ये लड्डू आया, ये फाइनल बिल में क्या आया, देखो सो सब मिला के आया हुआ है दोनों का समरी बिल। अच्छा आप अभी सोचे होंगे, अच्छा मेरे पास से 3 बिल प्रिंटर लेने के लिए मेरे पास बजट नहीं है, हम सबको एक ही प्रिंटर में करना है, कैसे कर सकते हैं। वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी दोस्तों, मैंने सब कुछ एक ही प्रिंटर में करके दिखा दे रहा हूँ आपको। आप देखिए दोस्तों इसको लॉग आउट करिए, यहाँ से पीछे बैक ऑफिस में चला जाइए, आप देखो ये बैक ऑफिस में जाइए, ये जहाँ देखो आपको किचन सिलेक्शन होती है ना दोस्तों, ये देखो वेरी सिंपल खेल है दोस्तों, इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने, सारे सब कुछ मैंने ये प्रिंटर में करवा दे रहा हूँ। ये प्रिंटर का नाम है दोस्तों, ये प्रिंटर ये देखो ATC, ठीक है जी, अपडेट्स सबको ATC कर दे रहा हूँ, ATC अपडेट्स जो भी डालेंगे ना, ऑर्डर डालेंगे सारे सब कुछ, बिल भी इसमें आएंगे, KOT भी इसमें आएंगे सारे सब कुछ इसमें, ठीक है जी। क्लोज कर दे रहा हूँ और लॉग आउट कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4 POS में जा रहा हूँ और बेकरी में जाकर के मैंने सेम आइटम को देखो 1, 2 देखो पेड़ा और इसको बिल मार रहा हूँ, आप देख लेना दोस्तों, देखो ये बिल फर्स्ट KOT आया, सेकंड KOT आया, थर्ड बिल आया, ये देखिए कितना भी किचन आपका है इस तरीके से, ये फर्स्ट KOT आया, ये सेकंड KOT आया, ये बिल आया है ना, उसमें एकदम परफेक्ट नंबर 1। तो इस तरीके से कर सकता है दोस्तों रेन डक का ये वाला जो सॉफ्टवेयर में, और ऑटोमेटिक गूगल इमेज का जो टेक्नोलॉजी हमने जो डाला वो कैसे लगाओ दोस्तों, एक नंबर का। और इसमें व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है, मार्क मतलब बिल जो व्हाट्सएप पे भेजने के लिए भी ऑप्शन है, सारे एडवांस टेक्नोलॉजी डाला हुआ है इसमें, हर कैटेगरी में आपको हर प्रोडक्ट डाल सकते हैं, ब्यूरेजेस का, लिक्विड आइटम्स से जूस वगैरह आइटम्स और बेकरी आइटम्स के लिए, कॉस्मेटिक्स आइटम्स सब कुछ, और यूज़ करने के लिए एक नंबर का आसान। थैंक यू, बाय बाय।